हेलो फ्रेंड्स, गेट्स मैचेस में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन है क्रिप्टोग्राफी में से। लेट्स रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट। सपोज इन अ ग्रुप ऑफ एन पीपल एवरीवन वांट टू कम्युनिकेट सीक्रेटली विद एन माइनस वन अदर्स यूजिंग सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एंड एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। द कम्युनिकेशन बिटवीन एनी टू पीपल शुड नॉट बी डिकोडेबल बाय अदर्स इन अ ग्रुप। द नंबर ऑफ कीज रिक्वायर्ड इन बोथ द केसेस आर। गाइस, ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन एक बार गेट के एग्जाम में आया हुआ है, जहां पे सिमेट्रिक की के बारे में पूछा था, लेकिन मैंने एसिमेट्रिक की भी इसमें इंक्लूड कर दिया। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्रिप्टोग्राफी का जो टॉपिक है ये इंट्रोड्यूस किया है 2013 के बाद। ऑल्दो ये टॉपिक पहले भी आता था, लेकिन उस टाइम पे गेट आईटी में ये अलग से आता था, लेकिन क्रिप्टोग्राफी का जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और इसमें सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस ही बार बार आ रहे हैं। तो इसीलिए ये टॉपिक मैं लेके आया हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि आप मुश्किल टॉपिक कर रहे हैं या अलग से टॉपिक कर रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक जो है इसके ऊपर आप एम्फेसिस नहीं दे रहे, बिकॉज इसके ऊपर एक या दो नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है और जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्रिप्टोग्राफी दो तरीके से हम यूज करते हैं, सिमिट्रिक एंड एसिमिट्रिक की। और यहां पे नेटवर्क सिक्योरिटी का पार्ट है ये, हमने अचीव करना कॉन्फिडेंशियलिटी की। मतलब अगर मैं ए बी को डेटा सेंड कर रहा है और ए और बी दोनों दूर दूर बैठे हैं, तो कोई भी बंदा बीच में वो मैसेज को रीड नहीं कर सकता। मतलब मैसेज को गेट तो कर सकता है, लेकिन उसको रीड नहीं कर सकता। उसको अचीव करने के लिए हम यूज करते हैं क्रिप्टोग्राफी, और दो तरीके से यूज करते हैं, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है सेम की, मतलब एक ही की यूज करते हैं। लेट्स से अगर हम बात करें, ए और बी है आपस में कनेक्टेड है, अगर ए ने मैसेज को एनक्रिप्ट किया और बी को भेजा, लेट्स से ए ने की वन को यूज किया और बी को भेजा, बी इसको डिक्रिप्ट कैसे करेगा, मतलब खोलेगा कैसे, सेम की से। मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो पूरी डिटेल है सिमेट्रिक की क्या होती है, कौन कौन सी एल्गोरिदम है, जैसे डीईएस, ट्रिपल डीईएस है, एईएस है, या फिर एसिमेट्रिक की बात करें तो एसिमेट्रिक में हमारे पास RSA है। तो ये ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप प्लीज एक बार वो भी चेक कर लें, आपको पूरी डिटेल में पता लग जाएगा कि सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी होती क्या है। तो यहां पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एन नंबर ऑफ पीपल आर कनेक्टेड विद ईच अदर एंड ऑल एन वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद एन माइनस वन। तो यहां पे सबसे पहले आपको असेस क्या करना है, अगर मैं बोलू चार लोग है, There are four people, तो मतलब everyone want to communicate with each other. तो वो communicate कैसे करेगा? Let's say अगर A, B, C, D चार लोग हैं, वो communicate करना चाहते हैं secretly with all, सबके साथ communicate करना चाहते हैं, तो यानी n people want to communicate with n minus one. तो यहाँ पे A है वो B, C, D के साथ communicate करना चाहता है, D है A, B, C के साथ, C है A, D, B के साथ, और B है A, C और D के साथ, मतलब N people want to communicate with N minus 1. तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें symmetric की, तो symmetric की का जैसे मैंने बताया कि same key को हम use करते हैं encrypt और decrypt करने के लिए। मतलब अगर A, B को मैसेज भेजता है, कोई भी मैसेज भेजता है, वो मैसेज को एनक्रिप्ट करेगा लेट्स से की वन के साथ, तो बी उसको ओपन कैसे करेगा, बी उसको ओपन करेगा सेम की वन के साथ, मतलब सेम की को हम यूज करते हैं। तो आप ऑब्वियसली यहां पे कह सकते हो कि ए ने अगर बी को मैसेज सेंड करना है और उसने कौन सी की यूज की, के वन, तो क्या के वन को वो यूज कर सकता है डी के लिए, नहीं। अगर उसने सेम की K1 को यूज किया इनक्रिप्ट करने के लिए A टू D के बीच में, तो B को भी, तो B को भी पता लग जाएगा वो मैसेज। अगर B ने, ये डायग्राम में आपको लग रहा है कि ये सारे आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है, बट इट्स नॉट लाइक दिस, A B C D चारों आपस में कनेक्टेड है, लेकिन ये डायग्राम में मैंने आपको इस तरीके से लग रहा होगा कि अगर A D को भेज रहा है तो B को, B के पास तो आएगा ही नहीं वो मैसेज, नहीं। नॉर्मली तो हम वायरलेस या वायर्ड कम्युनिकेशन में बात करें तो हम पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन नहीं यूज करते हैं, मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन यूज करते हैं, जहां पे मल्टीपल डिवाइस शेयर्ड कम्युनिकेशन को यूज करते हैं। तो उस केस में अगर देखा जाए तो ए ने अगर डी को मैसेज भेजा, वो मैसेज अगर बीच में बी ने भी ले लिया, तो वही मैंने बोला ना कि अगर ए बी को भेजने के लिए भी की वन यूज कर रहा है और डी को भेजने के लिए भी की वन यूज कर रहा है, तो अगर ए ने मैसेज को एनक्रिप्ट किया के वन की के साथ और भेज दिया डी को, रास्ते में बी वन ने वो मैसेज ले लिया, तो बी को भी पता है वो की,
तो बी भी उसकी उस मैसेज को क्या कर देगा, डिकोड कर लेगा। तो वही हमारा क्वेश्चन है कि ग्रुप के अंदर कोई भी बंदा एक दूसरे के मैसेज को डिकोड नहीं कर सकता। तो आप क्या यहां पे असेस कर सकते हो, ए बी को मैसेज भेजेगा अगर के वन के साथ, तो ए डी को मैसेज भेजेगा किसी के टू, मतलब अलग की के साथ, और ए सी को मैसेज भेजेगा किसी अलग की के साथ। यानी हर बंदे को अलग अलग की चाहिए। तो आप कह सकते हो कि अगर एन पीपल है, एन माइनस वन लोगों के साथ कनेक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है, तो यानी एन माइनस वन कीज हमें चाहिए। तो आप सिंपली यहां पे क्या कह सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ कीज क्या हो जाएंगी, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर अप टू एन माइनस वन, विच इज व्हाट, एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाय टू, जिसको आप सिंपली क्या कह सकते हो, कंप्लीट ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस निकालने का फॉर्मूला भी क्या होता है, n into n minus 1 divide by 2। अगर हम बात करें यहां पे, जैसे कि n की वैल्यू मैंने यहां पे 4 ली है, क्योंकि n मतलब क्या है, नंबर ऑफ पीपल, लेट्स से 4 into 3 divide by 2 which is what 6। तो देखो यहां पे 6 कौन कौन सी है, a b से कम्युनिकेट करने के लिए यूज कर रहा है की 1, डी से कम्युनिकेट करने के लिए लेट्स से यूज कर रहा है की 2, ए सी से कम्युनिकेट करने के लिए लेट्स यूज यूज कर रहा है के 3 को, और यहां पे बी सी को यूज कम्युनिकेट करने के लिए यूज कर रहा है के 4, और सी और डी की बात करें तो वो यूज कर रहा है के 5, और यहां पे लास्ट आपका बच गया बी और डी, बी और डी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं किसके थ्रू, लेट्स से के 6 के थ्रू। तो ए और बी आपस में कर रहे हैं के 1 के साथ, तो बी और ए भी आपस में के 1 के साथ, ए और डी के 2 के साथ, तो डी और ए भी के 2 के साथ, ए और सी के 3, तो सी और ए भी किसके थ्रू के 3, बी और सी के 4, सी और बी भी के 4 को, और सी और डी के 5। तो आपस में दोनों यूज कर सकते हैं एक दूसरे को, लेकिन टोटल नंबर ऑफ कीज क्या हो जाएंगी यहां पे, 6। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये तो था सिमेट्रिक। अगर हम बात करें एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक में जनरली हम यूज करते हैं आरएससी एल्गोरिदम, और एसिमेट्रिक का मतलब है हम दो कीज बनाते हैं, पब्लिक प्राइवेट। हर बंदा, हर नोड, हर जो भी जितने भी इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं, हर बंदे के पास अपनी एक पब्लिक की होगी, एक प्राइवेट की होगी। वो जैसे अगर ए और बी आपस में कनेक्टेड है, तो ए के पास अपनी पब्लिक है, अपनी प्राइवेट है, बी के पास अपनी पब्लिक है, अपनी प्राइवेट है। और कम्युनिकेशन होता कैसे है, लेट्स से अगर ए ने बी को भेजना मैसेज, तो ए बी की पब्लिक की से इनक्रिप्ट करता है और फिर उसको भेजता है। ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी, मैंने जो वीडियो बनाई हुई है उसमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, और इसके ऊपर भी कई बार गेट में ऑलरेडी क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत ही सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आए हैं, आप प्लीज एक बार वो वीडियो जरूर चेक करना। यहां पे अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो सिंपल नाम से पता लग रहा है पब्लिक की, मतलब पब्लिक और प्राइवेट, हर के पास अपनी एक पब्लिक और प्राइवेट की होगी। तो यानी टोटल नंबर ऑफ कीज कितनी हो जाएंगी, 2 into n, तो टोटल नंबर ऑफ कीज विल बी 2 into n। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। थैंक यू।